YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जेजेपी के सांसद दुष्यंत चौटाला ने दतिया पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। दुष्यंत ने कहा कि जहां जेजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए इनेलो पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, तो इस मौके पर भाजपा के कैप्टन जगजीत सिंह सहित के सैकड़ों लोग बीजेपी छोड़कर जेजेपी में शामिल हो गए। इसी बीच जेजेपी सांसद दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा, भाजपा एक ही राग अलाप रही है कि मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है। ये बात गलत है। देश सुरक्षित सिर्फ सेना के हाथों में है। अगर मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है तो फिर आरएसएस वालों को और मोदी को सेना में भर्ती करा दो, सीमा पर भेज दो। इसी बीच इनेलो पर भी जमकर निशाना साधा गया। नाम लिए बिना निशाना साधते हुए ये कहा गया कि कुछ लोग जींद उपचुनाव में 200 बच्चों का टोला बताते थे, मगर जींद उपचुनाव में जेजेपी 40,000 के करीबन वोट ले गई और कांग्रेस और इनेलो की क्या हालत हुई आप सब जानते हैं। तरियामी, अगर देश सुरक्षित आज है तो हमारी आर्मी की बदौलत है, हमारी पैरामिलिट्री की बदौलत है, हमारी नेवी और एयरफोर्स की बदौलत है। और अगर बीजेपी वाले ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी देश की सुरक्षा कर रहे, तो फिर बीजेपी वालों को बोलो कि फिर नागपुर के अंदर बैठकर डंडों से और एयरगन से सुरक्षा देश की ना करें, फिर चले देश के बॉर्डर पर और आर्मी ज्वाइन कर देश की सुरक्षा कर। चलिए, हमारा संगठन तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें तो पहले भी कहा जाता था कि ये 200-300 बच्चों का टोल है। उसके बाद जींद के अंदर इतना तक कह दिया गया कि जमानत जब्त होगी। अब 200-300 बच्चे अगर 600 और 6 लाख तक की रैली कर देते हैं और वहीं दूसरी ओर पर जो लोग हमारी जमानत जब्त कराने की बात करते थे, वहाँ कांग्रेस की भी और INLD की भी क्या हालात रही है, उस पर चर्चा मुझे करने की ज़रूरत नहीं।